सरकार के पक्षतापूर्ण रवैये से त्रस्त व्यापारियों ने लंबी बैठक के बाद तय किया है कि वे अपनी आवाज कोर्ट के समक्ष उठाएंगे, वहीं से व्यापारियों को न्याय मिल सकता है। जबकि वोट लेकर आए नेताओं से न्याय मिलने की आस खत्म हो गई है। लगभग 3 घंटे तक चली बैठक में व्यापारियों के आंसू निकल आए। विरोध करने के तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया, लेकिन अंत में कोर्ट जाने के निर्णय पर एकमत से सहमति जताई गई। इसके लिए कमेटी का गठन किया गया जो 72 घंटे के अंदर कोर्ट में पीआईएल दाखिल करेगा। सरकार जगह वाणिज्य बचाओ संघर्ष समिति के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की आज मीटिंग हुई। कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बातें सुनने के बाद ये निर्णय लिया गया है कि संघर्ष समिति हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी। गार्डियन मिनिस्टर नागपुर के जो है आदरणीय डॉक्टर नितिन राउत जी, उनका घेराव किया जाएगा पूरे स्टेक होल्डर्स के साथ और उनके परिवार के साथ। आज नागपुर में लगभग 0 केसेज है, तो उसके बावजूद भी लेवल 1 लागू नहीं किया जा रहा है जो गवर्नमेंट ने फॉर्मूला अडॉप्ट किया था। आज जो मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर्स है उनकी रोजी रोटी का क्या और ये लोग आगे कैसे सर्वाइव करेंगे? तो मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर्स है उनके लिए या तो रिलैक्सेशन टाइमिंग में छूट और नहीं तो रिलीफ पैकेज का अनाउंसमेंट वो करें।